सदस्यता का अभियान खत्म हो जाएगा, उसके बाद संगठन खुले बनेगा, सदस्य बनने आइए। हमने जो सदस्यता अभियान चलाया है उसमें हमने कहा है कि मजबूत हम लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। आज मैंने फेसबुक पे अपनी फेसबुक पे समाजवादी पार्टी की सदस्यता लगातार चलती रहेगी और कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा गांव में पहुंचे, हर घर तक सदस्यता पहुंचे, पार्टी की बात, पार्टी की नीतियों का, कार्यक्रमों का, पार्टी ने जो फैसले लिए समय समय पर उनकी जानकारी लेकर के जनता के बीच में समाजवादी पार्टी रहेगी। इस अभियान के माध्यम से हर वर्ग के लोगों के बीच में पहुंचने का काम होगा और जरूरत इस बात की है, लोगों तक इस बात को पहुंचाना है कि लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग आगे आ रहे हैं, इसमें सहयोग करें, मदद करें और साथ जुड़ें। अभी लखनऊ के जो हमारी पार्टी के नेता जो चुनाव लड़े थे उनको सदस्य बनाया गया है, उनके साथ साथ और पार्टी के लखनऊ के ही केवल सदस्य हैं, पार्टी के जो नेता हैं उनको सदस्य बनाया है और उनसे उम्मीद है उनके माध्यम से लगातार क्षेत्र में इसी तरह का सदस्यता का कार्यक्रम चलेगा। सरकार जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रही है, सरकार को वहीं 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए थी और सबसे बड़ी उपलब्धि की पोल तो तब खुल गई जब उनके डिप्टी सीएम लखनऊ छोड़ करके गए और जब वापिस आए तो उन्हें पता लगा कि उनसे बिना पूछे ही ट्रांसफर हो गए। 100 दिन की यही उपलब्धि है और ये वो डिप्टी सीएम है जिन्होंने सबसे ज्यादा छापा मारे। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, जहां जहां गए, जहां जहां कमियां देखी गई, अगर किसी पे भी कार्रवाई डिप्टी सीएम कर गए हो तो बता दीजिए। इसका मतलब ये है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। तो 5 साल और 100 दिन की उपलब्धि यही है कि सरकार को पीछे से कोई चला रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है। जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रहे हैं वहीं उन्हें पुरानी सरकार में जो उपलब्धियां थी, जो घोषणा पत्र बनाया था वो कितना पूरा हुआ। अब उनका जो पत्र आया तो ये तो वही बता पाएंगे कि किसके कहने से ट्रांसफर हुए हैं। लगता है सरकार में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पीछे से ऑपरेट हो रही हैं। और फिर सबसे बड़ी उपलब्धि यह है सरकार की कि यूपी दरोगा भर्ती इतने बड़े पैमाने पे जिसमें धांधली हुई हो, जहां पर स्क्रीन शेयरिंग की पता लग गई हो कि स्क्रीन शेयर कर करके नकल हुई है या पेपर सॉल्व हुआ है, न जाने कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो जेल में थे वो भी भर्ती हो गए। तो ये 100 दिन की उपलब्धि माने कि हम 5 साल 100 दिन की उपलब्धि माने। 100 दिन में तो न जाने कितनी नौकरी देने और रोजगार देने की बात थी। सवाल नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी या इसी तरह धांधली या पेपर लीक में नौकरियां चली जाएंगी। जाति गणना इसलिए होनी चाहिए कि कई बार बहुत आरोप लगते हैं दूसरे लोगों पर और हर समाज के अंदर भेदभाव पैदा कर रहे हैं लोग कि आप आबादी में इतने, आपका हक छीना जा रहा है, कोई कह रहा है किसी का हक छीना जा रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी का मानना है और इस पर कई बार कई मौकों पर बहस हो चुकी, लोकसभा में भी बात रखी जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट तक बातें गई हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, सरकार को काम करने का, नीतियां बनाने का और उन तक उपलब्धियां पहुंचाने में आसानी होगी। और हमने तो अपने घोषणा पत्र में और कई मौकों पर कहा था कि सरकार बनने के 3 महीने के बाद जाति जनगणना होगी। जब बड़े बड़े डेटा सेंटर बन रहे हैं, कल को सवाल आप पूछोगे डेटा सेंटर क्यों चाहिए,
कल को आप कहोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खत्म होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? डेटा सेंटर में क्या होगा, क्या कलेक्ट करेंगे डेटा सेंटर में आप? इसलिए सरकार और सरकार के लोगों को कम से कम अगर बड़ी उपलब्धि दिखानी तो जाति जनगणना करा लें। नहीं बीजेपी, अब वो मैं नहीं जानता कि बीजेपी में डेटा है कि नहीं, सरकार भी कहती है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पिछड़ी जाति इतनी है, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ये जातियां इतनी हैं, हमने सरकारी आंकड़े में इस वर्ग को इतना दिया है। ऑथेंटिक क्यों नहीं हो, फैक्ट के साथ क्यों ना हो? उसमें तो सरकार ने स्वीकार किया था, ये बात सच कह रहे हैं आप कि उसमें सरकार ने खुद स्वीकार किया था। मुझे याद है उस समय लोकसभा में जो प्रधानमंत्री जी थे, होम मिनिस्टर थे, पार्टी के जो विपक्ष के नेता थे, दक्षिण भारत के नेता थे, सबने मिलकर की बात कही गई थी कि जाति जनगणना होना चाहिए और उसके आंकड़े आने चाहिए। उस समय की सरकार ने स्वीकार किया था कि हाँ जनगणना के आंकड़े आएंगे, लेकिन सरकार ने स्वीकार नहीं किया। सरकार ने एक बार इस बात की गिनती कराई थी कि क्लास थ्री क्लास फोर में किस जाति के लोग कितनी नौकरी में हैं, लेकिन सरकार ने कभी वो आंकड़े नहीं पेश किए। तो आज मैं मांग करता हूं, वो हमारे पत्रकार साथी भी कुछ ऐसे ही सवाल पूछ रहे थे और आप भी हैं, कि जो जाति जनगणना हुई थी और नौकरी में कितने कितने हैं क्लास थ्री क्लास फोर में, वो आंकड़े सरकार क्यों नहीं देती है देश सरकार आंकड़े में? इसलिए सरकार जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए समय समय पर मुद्दे लाती है। जो बुनियादी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर लगातार समाजवादी पार्टी जनता में रहेगी और कहेगी कि एक ये स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है, उसके अनुसार ये सरकार सब काम कर रही है। पहली स्क्रिप्ट में यह है कि समाजवाद को कैसे बदनाम किया जाए। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था सदन में कि समाजवाद की अब कोई जरूरत नहीं रही। जिस संविधान में प्रीएम्बल में समाजवाद शब्द आया हो और जिसकी आपने कसम खाई हो, उसको आप कहें कि ये समाजवाद की जरूरत नहीं है, तो ये हमला समाजवाद पे नहीं है, ये हमला लोकतंत्र पे है। ये बात मैं बहुत कहा करता हूं कि लोकतंत्र, समाजवाद और सेकुलरिज्म ये इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक के बगैर दूसरा नहीं रह सकता। रूस सबसे बड़ी समाजवादी देश था, लेकिन वहां डेमोक्रेसी नहीं थी तो रूस छिन्न भिन्न हो गया। आपके नेपाल इधर था, अब तो वो भी खैर सेकुलर हो गया है, पहले हिंदू स्टेट थी, और इधर पाकिस्तान मुस्लिम स्टेट थी, दोनों में डेमोक्रेसी का लेवल कितना था। ये सारी बातें मैं ये कहना चाहता हूं कि आज लोकतंत्र बहुत खतरे में है और वो एक सुनियोजित स्क्रिप्ट है जो उनको दे दी गई है, उसके हिसाब से चल रहे हैं। जैसे उदाहरण समाजवाद का तो कर ही दिया, अब समाजवाद का मतलब क्या हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर थे उसको कमजोर करके निजी सेक्टर को बढ़ाने से क्या होगा कि दो चार लोग तो अमीर हो जाएंगे और गरीबी की रेखा के नीचे कितने लोग जा रहे हैं इसका अनुमान है। इसकी जिम्मेवारी सिर्फ समाजवादियों पर है कि जो ये कहा करते हैं कि संपत्ति का, सम्मान का और सत्ता का बंटवारा जहां तक हो सके वहां तक हो, बराबर हो। दूसरी बात यह है कि सेकुलरिज्म बड़े ढंग से एक सुरसुरसिया छोड़ देंगे, फिर उसके बाद कोई एक बड़े श्रीमान जो हैं वो भाषण दे देंगे कि अब हर जगह में शिवजी की ढूंढने की कोशिश न की जाए। अब उन्हें ये इसलिए कभी कभी आंसू पोंछे जैसे कि चित्र खींच गया और उसमें अखबार में निकल गया, लेकिन दूसरे दिन ही फिर एक कोई नूपुर शर्मा कोई ऐसी बात कह देंगी जो पूरे देश में आग लग जाएगी। मैं ये कहता हूं कि जो घटनाएं घट रही हैं बहुत निंदनीय हैं, जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा की जानी चाहिए। जिस प्रकार के कन्हैया लाल का वध हुआ या और हुआ दूसरी जगह, वो बहुत निंदनीय है, लेकिन वो क्रिया की प्रतिक्रिया है, उस क्रिया पे भी तो कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये इसलिए नहीं अपने आप हो रहा है या नौकरशाही कर रही है या जनता कुछ लोग कर रहे हैं, ये वाकायदा जो मैंने कहा कि पहले से लिखी हुई एक स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट दे दी गई है। अभी माननीय अध्यक्ष जी बता रहे थे कि इसके पीछे कोई बोलता है, वो पीछे जो बोलती है वो स्क्रिप्ट बोलती है।
इसलिए अगर लोकतंत्र को के ऊपर जो हमला हो रहा है उसको अगर बचाना है तो समाजवाद को फिर से हमें मजबूत करना है जिससे लोकतंत्र मजबूत हो। और उसी के तहत माननीय अध्यक्ष जी ने ये अभियान चलाया है जिसमें हम सबको बिना भेदभाव के सबको सदस्य, जितना आप पूछ रहे हैं कि कहां पे करेंगे, हम जिस जहां जहां हमारी पार्टी है वहां वहां हम सदस्यता अभियान पूरे जोर से चलाएंगे और ये बात फैलाएंगे कि लोकतंत्र को यदि बचाना है तो आपको समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहिए। बस यही, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके इसका बहुत अनुमोदन करता हूं और बहुत आपका स्वागत करता हूं, आपको बधाई देता हूं।